नमस्कार। 2009 जुलाई में मैंने पहला अपना 8 days का वर्कशॉप किया था। वो सेकंड वर्कशॉप था यूपीटीयू के टीचर्स का जो मैंने अटेंड किया। उसको अटेंड करने के बाद में जो कुछ भी लिया, जो कुछ भी गेन किया, उसको लेकर कॉलेज के अंदर अपनी जर्नी शुरू की। तब वैल्यू एजुकेशन सेल बनाया और एक स्ट्रगल किया अपने, सबसे पहले तो रदर स्ट्रगल ही कहूंगी मैं, क्योंकि मेरी जो इच्छा बन गई थी कि इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि खुद उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा था, तो लगता था कि सभी लोग इसकी इम्पोर्टेंस समझें और ये तो सभी के लिए जरूरी है, चाहे मैं हूँ फैकल्टी के लेवल पर, चाहे मेरे स्टाफ के लोग हों, फोर्थ क्लास हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे चेयरमैन हो, ये तो सभी के लिए, ये तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो आज जो प्रॉब्लम्स नजर आती है वो खाली दूसरे की नहीं है, जिसको कि हम अभी तक देखते आए थे कि जो कुछ प्रॉब्लम है वो दूसरे की वजह से है, ये चीज समझ में आने लगी थी। लेकिन दूसरे को समझाने का कॉम्पिटेंस शायद एक वर्कशॉप से डेवलप नहीं हुआ था। तो लगता था जैसा गणेश सर ने कहा ही कि जहां भी जाओ फैकल्टी कहती है डायरेक्टर्स को करवाओ, डायरेक्टर्स कहते हैं चेयरपर्सन को करवाओ, तो यही भाव मेरे अंदर भी था। मुझे लगा कि डायरेक्टर्स के लिए तो होना ही चाहिए। तो जब भी मुलाकात होती थी, गणेश सर से बात हुई, भानु सर से बात हुई, तो हमेशा यही लगा कि प्रॉब्लम तो डायरेक्टर्स की साइड से है, डायरेक्टर्स के लिए ये वर्कशॉप होना चाहिए। जब पता चला कि पहली वर्कशॉप जब वन डे की प्लान हुई, तो लगा जैसे बस अब तो सब कुछ हो गया, काम हो गया, तो वर्क इज हाफ डन, तो वहां एक बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म आया। लेकिन इस कोर्स को लेकर एक सेटिस्फेक्शन तब भी मेरे अंदर नहीं आ पाया था, क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग्स खुद अपने अंदर शायद मैं सही ढंग से इंश्योर नहीं कर पाई थी। उसके बाद मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली परिचय शिवर लेवल 2, इसका जो हायर वर्जन है वो करने का। जब ये किया तो ऐसे लगा जैसे लाइफ बिल्कुल ओपन हो गई है, अब तो कुछ सवाल जीवन में बचा ही नहीं है, कहीं कुछ अपने अंदर कुछ जो कन्फ्लिक्ट रह गया था वो भी जैसे अब रिजोल्व ही हो गया है। ये सब को देखते हुए लाइफ बहुत सुलझी हुई लगने लगी। जो प्रॉब्लम अभी दूसरे में नजर आती थी वो अपने अंदर दिखने लगी। और मेरा तो मतलब गणेश सर से मैंने उसके बाद शेयर नहीं किया है, आज सभी के साथ शेयर करूंगी कि PSL 2 के बाद जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वो इस हद तक पहुंच गया कि हर वक्त सिर्फ अपने पर ध्यान जाने लगा। कुछ भी, कोई भी घटना होती है, चाहे कॉलेज में हो, परिवार में हो, घर में हो, हर टाइम अपने पर ध्यान जाता है। और इतना ही नहीं, सपने में भी मैं गणेश सर के शिविर में बैठी होती हूँ। और ये मैंने अपने कलीग्स, हम लोग 4 लोग जो वैल्यू एजुकेशन सेल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी शेयर किया था कि मुझे तो सपने में भी अब गणेश सर दिखते हैं और मैं शिविर कर रही होती हूँ। तो उससे एक इतना मोटिवेशन, जो क्लैरिटी आई है विजन में, इसका इम्पैक्ट खाली इस कोर्स को पढ़ाने में मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब मैं जो शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट्स में, उसमें ड्रास्टिक चेंज आया है, क्योंकि शायद अपने अंदर मैं उन चीजों को देख पा रही हूँ। साइड बाय साइड जो मैं सब्जेक्ट लेती हूँ, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अभी तक सिर्फ सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह से, कंटेंट को कंटेंट की तरह से डिलीवर करती थी। अब जब उन्हीं चीजों को पढ़ाती हूँ तो शायद रिलेट कर पाती हूँ कि ये चीजें हम जो भी पढ़ा रहे हैं, ये एसेज पढ़ा रहे हैं, वोकैबुलरी पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये स्टूडेंट्स के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है। जो एसेज का कॉन्टेंट है, 1962 के लिखे एसेज है वो, उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो कहीं ना कहीं यही चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए हेल्प करती हैं। एक ऐसे है जिसमें फर्स्ट लाइन शुरू होती है, मैन इज अ मशीन और सेल्फ। तो वहां जब मैंने इन चीजों को अब अपने अंदर आत्मसात किया प्रैक्टिकली हर तरीके से, तो मैं उन चीजों को कहीं ज्यादा इफेक्टिवली बता पा रही हूँ। और मुझे लगता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, हर सब्जेक्ट के टीचर्स, ऐसा नहीं, पहले हमें लगता था कि खाली जो अप्लाइड साइंसेज वाले हैं या वैल्यू एजुकेशन के जो ह्यूमैनिटीज वाले, इन लोगों को भेजा जाए, तो अब मुझे लगता है कि नहीं, इंजीनियरिंग के हर प्रोग्राम, इंजीनियरिंग क्या, MBA क्या, MCA क्या, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली फैकल्टी के लिए ये उतना ही यूजफुल है जितना कि ह्यूमैनिटीज या किसी भी सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये हम सबका सब्जेक्ट है, हम सबके लिए जरूरी है। तो ये हमारी टीचिंग, जब हमारे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो हमारे डिलीवरी में नजर ही आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैंने अपने अंदर चेंज किया, वो जो कमिटमेंट्स थे उनको तो किया ही, मैंने देखा लाइफ कितनी सिंपल है। पहले अभी
लास्ट टू डेज में भी बात हो रही थी कि अलग अलग जगह जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े होना चाहिए, तो पहले मेरा भी परसेप्शन यही बन गया था कि इतना जीन्स होने चाहिए, इतने स्कर्ट्स होने चाहिए, इतने सूट्स होने चाहिए, इतने साड़ीज होने चाहिए, और अलमारी इस कदर हौचपौच रहती थी कि समझ नहीं आता था। अभी मैंने जो किया है, चार साड़ी इन माय वार्डरोब, खाली चार साड़ी, सब कुछ सुलझ गया, कोई मुश्किल नहीं, इतना आराम से, क्योंकि जो भी फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए नर्चर प्रोटेक्शन राइट यूटिलाइजेशन के लिए, तो मुझे लगा नर्चरिंग के लिए तो फूड हमें वैसा ही लेना ही है जो कि शरीर के लिए जरूरी हो, प्रोटेक्शन की बात करें तो कपड़ा चाहिए, अब कपड़ा प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, आफत बढ़ाने के लिए चाहिए, तो अब समझ में आया कि नहीं ये तो प्रोटेक्शन के लिए है, और प्रोटेक्शन के लिए तो चार जोड़ी में इतना सुलझाव है कि कहीं कुछ दिक्कत लगती नहीं। पहले लगता था कि जैसा कपड़ा पहनेंगे तो उससे इम्प्रेशन तो एक बनने वाला है ही, और कुछ मिस जोधपुर, मिस केएन कॉलेज जोधपुर रहने के बाद तो ऐसा बन गया था कि सबसे बड़ी मॉडल मैं ही हूं, तो वो सब चीजें एकदम डिसॉल्व हो गई, अभी वो सब कुछ नहीं रहा, और इतना आसान जिंदगी बन गई है कि शायद मैं सबको कह सकती हूँ कि अगर हम इस चीज को अपने अंदर ले आए, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस पर इसको देखना शुरू कर दें, अपने अंदर देखना शुरू कर दें, तो लाइफ वाकई बहुत आसान है और दूसरे के लिए भी हम आसानी बनाएंगे। यहां जो मेरा एक्सपीरियंस अभी 3 दिन रहा, तो मुझे हमेशा लगता था कि जैसा राजा वैसी प्रजा, तो आज क्योंकि सब डायरेक्टर्स जिनको हम राजा ही मानते हैं, चेयरमैन या डायरेक्टर आज नीरज सर भी हैं, तो मैं इस चीज को कह सकती हूँ कि हम सभी अभी राजा प्रजा नहीं ढूंढेंगे, राजा तैयार ही करेंगे, ये तो निश्चित बात है, और यही चीज शायद जो एक डिस्क्रिमिनेशन हम सोसाइटी में लेकर चल रहे हैं उस चीज को खत्म भी कर पाएगा। तीसरी चीज काक सर से एक सजेशन के रूप में, एज अ टीचर मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया तो डायरेक्टर्स भी सभी जानते हैं कि हमेशा लास्ट टू क्लासेस दे दो भाई, अब स्कोप ज्यादा नहीं है, ये तो हमेशा से रहा ही है, क्योंकि शायद हमने इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी सिग्निफिकेंस को रिकॉग्नाइज या रियलाइज किया ही नहीं था। तो अभी आपसे मैंने अपने यहाँ कॉलेज में एक सजेशन दिया था लास्ट ईयर अपने हेड को कि इस प्रोग्राम को, जब राजू सर आए थे, हम लोगों ने 3 दिन का वर्कशॉप अपने कॉलेज में कराया था, तो मुझे लगा कि इसको, क्योंकि बच्चा इतने सब्जेक्ट्स पढ़ता है, उसके बीच में एक पीरियड 55 मिनट का इसका भी आ जाता है, तो वो जैसे तैसे लेता है और उसके बाद फिर किसी और सब्जेक्ट में चला जाता है, तो कुछ स्पेस उसको अपने लिए बचता नहीं है, तो तब भी मैंने अपने कॉलेज में भी सजेशन दिया कि ज्यादा नहीं तो हम इसको 3 दिन का वर्कशॉप करके, और पूरा सेमेस्टर चाहे एक लेक्चर डिस्कशन बच्चों से, जिससे मेंटेन रहे, पूरा सेमेस्टर हम एक एक लेक्चर डिस्कशन के लिए दे दें। तो मेरे कॉलेज में तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, डायरेक्टर का यही कहना था कि ये तो हमारे पास ऐसा फालतू टाइम नहीं है, तो हम इसको ऐसा 3 दिन नहीं दे सकते, ये तो बहुत ज्यादा है। मुझे एक चीज और समझ आती है कि अगर नींव मजबूत हो, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो बिल्डिंग उसके बाद ऊपर स्ट्रांग ही होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है बिल्कुल फ्रेश होता है, हम उसकी शुरुआत 3 दिन या 7 दिन के वर्कशॉप से अगर करें तो कैसा रह सकता है। मेरे ख्याल से उसके बाद जब एक बिल्डिंग बननी शुरू होगी पूरे 4 साल, और टीचर उससे बराबर एक एक लेक्चर पूरा ईयर, चारों साल ही अगर इंटरेक्ट करते रहे तो और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप लोग सब है ही इस चीज पर विचार करने और डिसीजन लेने के लिए, लेकिन ऐसा हो पाए तो शायद एक जो इग्नोरेंस का बना हुआ है कि सेकंड ईयर में दे दो, थर्ड ईयर में कभी भी दे दो, बस किसी तरीके से निकल जाए, ये फालतू का बर्डन डाल दिया गया है बच्चों पर, हम इस चीज से निकल पाएंगे और उसका इम्पैक्ट हमें पूरे चारों साल अवश्य दिखाई देने वाला है, ऐसा एज अ टीचर मुझे महसूस होता है। धन्यवाद।